हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल विज्ञान गुरुजी। ये BTC थर्ड सेमेस्टर के गणित शिक्षण का पार्ट 3, जो कि घातांक की अवधारणा से संबंधित था, उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने थ्योरी की बात कर ली थी। हालांकि वो पहले पार्ट में था, थ्योरी की बात कर ली थी। अब इसमें हम जितने भी आपके बुक से क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे विथ डिटेल्स। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ कमी दिखती है, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा से कोई और नॉलेज चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, अब चूँकि क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे, और साथ ही साथ अगर लगेगा हमें कि कुछ थ्योरी भी बता देनी चाहिए उससे संबंधित, तो हम थ्योरी की भी चर्चा कर लेंगे। जैसे कि कह रहा है कि 2^-5 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये मान पूछ रहा है, ये मान नहीं है। जैसे हम 4 को 2^2 लिखते थे, तो कहेंगे अगर 2^2 का मान कितना है, तो वो 4 होगा। इसी प्रकार 2^-5 का मान पूछ दिया है। तो सबसे पहले आप, हमने आपको बताया था कि घातांक को अगर कुछ ऐसा घातांक दिखे तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2^5। हमने बोला था कि कोई भी नंबर हो, ऋणात्मक रूप में है, तो उसको हम 1/ जितना भी दिया हो उसको घात के रूप में बना सकते हैं, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने चिन्ह को बदल दिया। अब आपको पता है कि 2^5 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 5 बार, और 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो ये आता है 32। जैसे 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो ये हो गया 1/32। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया 2^-5 का मान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ वैसा ही जैसे पहले दिया था, 1/ इतना। तो हमने बताया था कि 1/ अगर a^-n हो तो हम इसको लिखते हैं a^n, कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस। तो यानी कि इसको नीचे से जब ऊपर भेजा तो चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। उसी रूल का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। तो देखिएगा, ये 1/ कुछ है, ये एक नंबर है, हालांकि भिन्न के रूप में है, तो इसको हम एक नंबर ही मानते हैं, जैसे कि यहाँ a था। तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4^2, लेकिन धन चिन्ह के साथ, क्योंकि यहाँ ऋण चिन्ह था, ऊपर भेजा, धन चिन्ह हो गया। अब फिर ये एक रूल दिख रहा होगा, जैसे कि a/b^2 अगर n होता था तो हम उसको a^n/b^n लिखते थे। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं 3^2/4^2। अब 3^2 का मान होता है 9, यानी 3 × 3 बार, 3 × 3 हुआ 3^2 का मतलब, यानी कि 3 × 3 में कितनी बार, 2 बार। तो 3 × 9, ऐसे ही 4 × 16, तो ये हो गया 9/16 इसका मान। ठीक है, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको आसानी से सरल कर लेंगे। ये देखिएगा, ये एक अलग सिंबल है, इसको हम कहते हैं करड़ी। हालांकि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 1 है और इस पे घात हो गया 1/n। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर 1 है, अंश अगर 1 है और नीचे नंबर कोई भी है, तो हम इसको सीधे सीधे ये लिख देते हैं, जिस जो आधार होगा उसको करड़ी के अंदर लिख देंगे। और ध्यान दीजिएगा, 1/ अगर कुछ है, अगर ये 2/n है तब नहीं होगा, सिर्फ होना चाहिए 1/n, यानी 1/ होना चाहिए, अंश कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बटे के रूप में चाहे कोई भी नंबर हो। तो ये जो नंबर है वो करड़ी का घात बन जाता है। और ये जो नीप देख रहे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमेशा इसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 1^(n) के साथ ये नंबर हो गया। ऐसे ही यहाँ कोई घात नहीं दिया है तो हम मानते हैं 2 है। ठीक है, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं ना कि घातांकों को हम करड़ी के रूप में लिख सकते हैं, तो करड़ी को क्या घातांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चूंकि हमको घातांक का नियम पता है, तो इसको हम सीधे सीधे किस रूप में बदल देंगे, घातांक के रूप में बदलेंगे। तो देखिएगा, क्या हम 5 को 1/5^2 नहीं लिख सकते हैं। हमने कहा था कि जितना ये बटे में होगा वही चला आता है इसके घातांक पे। जैसे यहाँ यन था तो यन चला आया था, ऐसे ही यहाँ कोई घात नहीं दिया है तो 2 मानते हैं, कोई घात नहीं होता है करड़ी पे तो 2 मानते हैं, करड़ी घात 1 नहीं होता है।
ठीक है, हमेशा करड़ी घात दो होगा, तीन होगा, चार होगा या उससे आगे होगा, बटे में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमने इसको लिख दिया पाँच के घात के रूप में और टोटल का घात कितना है दो। अब देखिएगा ये रूल बन गया, किसी संख्या पे घात हो और टोटल का घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो हम लिख देंगे पाँच पे घात एक बटा दो गुणे दो। क्या हम दो को बटा एक लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दो बटा एक करेंगे यानी कि दो में एक से भाग देना है तो दो ही तो आएगा, तो दो को हम दो बटा एक भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। अब इस दो से ये दो कैंसिल, बच गया पाँच पे घात। अरे भाई एक बार में कटा तो हमने एक लिख दिया, एक का गुणा एक में किया तो एक मिला, एक का गुणा एक में किया एक मिला। अब जरा एक बटा एक कीजिएगा, इसका मान सदैव कितना होता है, एक होता है। तो हमने लिख दिया पाँच पे घात एक। अब पाँच पे घात एक तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम पाँच लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया पाँच, यानी इसका मान कितना आ गया, पाँच हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा है, टेट या फिर सीटेट, तो उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है तो इसको भी हम बहुत डिटेल में बताएंगे। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखिएगा ये एक्स है, एक्स 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 और एक्स, यानी कि इसको हल करना बहुत ही आसान है। कैसे? अगर एक पे घात एन बटे ए पे घात यम होता है तो आपको पता है हम लिखते हैं ए पे घात एन माइनस यम, ये ऊपर चला जाता है घटने के लिए, ठीक है। सेम इसको भी करेंगे, पहले वाले टर्म में एक्स पे घात यम है बटा एक्स पे घात एन है, तो क्या हम इसको माइनस यम नहीं लिख सकते हैं? माइनस एन हमने लिख दिया, लेकिन टोटल पे घात कितना है, यल है, तो हम लिख देंगे टोटल पे घात यल। ऐसे ही इस ब्रैकेट में एक्स पे घात ऊपर एन है और नीचे यल है तो माइनस यल, और इस पे घात है यम तो हमने बना दिया यम। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं एक्स पे घात यल माइनस यम, टोटल घात यन है तो यन लिख दिया। अब देखिएगा किसी संख्या का घात है और टोटल घात है, किसी संख्या का घात है टोटल घात है, किसी संख्या का घात है और टोटल घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी हर जगह आपस में गुणा हो जाएगा। यल का गुणा एक बार यम में करेंगे, यल का गुणा एक बार यन में करेंगे, तो एक्स पे घात एम एल हो जाएगा माइनस एन एल। कोई साइन नहीं है तो अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, बड़ा ही ब्रैकेट बनाते हैं, कुछ लोग को डाउट होने लगता है कि बड़ा से छोटा ब्रैकेट कैसे बन गया, ठीक। एक्स पे घात ये एन है, यम का गुणा कर देंगे तो एन एम हो जाएगा, और माइनस एल में एम का गुणा करेंगे तो एल एम हो जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में रख दिया। नेक्स्ट वाले में एक्स पे घात यल यन हो गया गुणा होने के बाद एल एन, और यम के साथ जब यन का गुणा करेंगे तो माइनस एम एन, ठीक। अब देखिएगा ये किसी संख्या का ये टोटल घात है, ये भी घात के रूप में है, ये भी घात के रूप में है, तो सभी जगह आधार क्या है, समान है, और कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा मानते हैं, कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा मानते हैं। जब आधार समान है, गुणे के द्वारा जुड़े हैं, तो घातांक जुड़ नहीं जाएंगे, तो हम सिंगल आधार बना देते हैं यक्स और सभी घातांकों को लिख देते हैं। जैसे एम एल था एम एल माइनस एन एल पहला था, इसको जोड़ना है किसके साथ, एन एम माइनस एल एम के साथ, फिर इसको भी जोड़ देना है किसके साथ, एल एन माइनस एम एन, ठीक है। जरा यहाँ देखिएगा एम एन है और यहाँ एन एम है, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग है, अरे भाई दो गुड़े तीन कीजिएगा तो मान आएगा छः, ऐसे ही तीन गुड़े दो भी करेंगे इसका मान भी तो छः ही आएगा, तो क्रम पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मान सेम होता है, तो ये पूरा प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही एल एन जो है वो माइनस एल एन से कैंसिल हो जाएगा, एल एम जो है वो प्लस एल एम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सब कैंसिल हो गया तो बचा कितना, जीरो। भाई सब कैंसिल हो गया तो बचा कितना, जीरो, और किसी भी संख्या का घात जीरो होता है तो मान कितना आता है, एक आता है, ठीक है। तो इसका मान हो गया एक। अब ए पे घात तीन बटे चार गुड़े ए पे घात तीन बटे चार गुड़े ए पे घात तीन बटे चार गुड़े ए पे घात तीन बटे चार, ये है, ये इसका सिंप्लीफाई रूप था, हमने सोचा किताब में दिया इसको बता दें, कुछ लोग को समझ में नहीं आता। जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, एक बार और कर लेते हैं, दो का गुड़ा कितनी बार किया, पाँच बार किया, तो दो का गुड़ा पाँच बार करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, सॉरी
ये नहीं होगा, ये जोड़ के रूप में होता है। ठीक, मेरे दिमाग में यही चल रहा था तो हमने वही लिख दिया। कह रहा है कि दो को जोड़िए, दो धन दो धन दो धन दो धन दो। दो को कितनी बार जोड़ा? पांच बार जोड़ा, कितना आया? दो दूना चार, दूना आठ, सॉरी दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, कितना आ गया? दस। लेकिन क्या हम इसको लिख दें कि दो को हम बार बार जोड़ रहे हैं तो दो लिख दिया, कितनी बार जोड़ रहे हैं तो पांच बार जोड़ा है, इसको गुणा कर दीजिए कितना आएगा? दस आएगा। ऐसे ही मान लेते हैं तीन लिया, तीन को जोड़ा तीन बार, तो तीन तीन छ, तीन नौ आ गया। लेकिन तीन को ही बार बार जोड़ रहे हैं ना, तो हम तीन लिख देते हैं, कितनी बार जोड़ रहे हैं? तीन बार जोड़ रहे हैं, बीच में गुणे का चिन्ह लगा दें, तीन तरीका नौ। यानी कि हम इस प्रक्रिया को इससे हम कम कर सकते हैं, इसी का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। और यहाँ देख रहे होंगे आधार समान है सभी का और घातांक दिया हुआ है और सभी एक दूसरे से गुणे के द्वारा जुड़े हैं, तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं एक आधार और सभी घातांकों को आपस में हम जोड़ देते हैं, तीन बटे चार धन तीन बटे चार। अब इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, कितनी बार जोड़ रहे हैं? तो चार बार जोड़ रहे हैं। तो हमने लिख दिया भाई एक ही संख्या को जोड़ रहे थे और चार बार जोड़ रहे थे और बीच में गुणा चिन्ह लगा दिया, जैसे यहाँ कर रहे थे। ठीक, अब देखेंगे क्या चार का चार बटा एक लिख दें, तो लिख दिया, चार से चार कट गया एक एक बार में। अब तीन का एक में गुणा किया तो हो गया तीन, एक में एक का गुणा किया तो बटा एक। तो हम इसको लिख सकते हैं ना डायरेक्ट तीन, तो यानी कि एक पे घात कितना मिल गया? तीन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये करना है, ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसको आप लोग अटेम्प्ट करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आठ पे घात दो बटा तीन का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना है, इसको भी हल करना है। जैसे हमने पहले बताया था कि दो पे घात दो होता है तो इसका मान चार होता है, ऐसे ही इसका मान क्या होगा। अगर ऐसे हम करना चाहें कि आठ पे घात दो बटा तीन, तो ये हल करना लगभग लगभग मुश्किल ही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो अधिकतर अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह, ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती। तो हम इस आठ को भी वैसे ही बदल देंगे, हम आठ को दो पे घात तीन लिख सकते हैं, तो आठ की जगह लिख दिया दो पे घात तीन। अब लेकिन टोटल पे घात कितना है? दो बटा तीन है, तो हमने इसको भी लिख दिया। अब आपको पता है किसी संख्या का घात है और टोटल का घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो दो पे घात तीन गुणे तीन बटे सॉरी दो बटे तीन। अब इसका भी बटा एक कर सकते हैं, तीन से तीन कैंसिल, बच गया सिर्फ दो, तो लिख देंगे दो पे घात दो और दो पे घात दो का मान चार। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। यानी कि संख्याएं कुछ भी दिया रहा है तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में बदलेंगे। जैसे यहाँ चूंकि दो का घात बन रहा था, ऐसे हो सकता है तीन का बने, कभी पाँच का बने, कभी सात का बने, तो हम देख लेंगे उसको कैसे करना है। कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करें, ये हमारा मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो चार का गुणा दो में करते हैं, तो चार दूना आठ, उसमें एक जोड़ देते हैं, चार का गुणा दो में करते हैं और एक जोड़ देते हैं, तो चार दूना आठ एक नौ, ये हो गया नौ बटे चार। अब इस पे घात दे रखा है माइनस एक बटा दो, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भी अब संख्या मिल गई ना, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। हम तीन पे घात दो को क्या लिख सकते हैं? नौ लिख सकते हैं, यानी कि नौ की जगह हम ये लिख देंगे। ऐसे ही चार को दो पे घात दो लिख देंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तीन पे घात दो बटे चार को लिख सकते हैं दो पे घात दो। अब जरा देखिएगा, ये आधार हमारा दोनों का सॉरी घातांक हमारा दोनों का समान है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि a बटा b पे घात n होता था तो a पे घात n लिखते थे, b पे घात n लिखते थे। अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो वही हमने किया, एक एक घात बना दिया दोनों का। ठीक है, तो हम सीधे सीधे अब इसके जगह ये वैल्यू लिखेंगे, तीन बटा दो, इस पे घात हो गया दो,
लेकिन अभी टोटल पे घात एक है ना, माइनस एक बटा दो। अब देखिएगा ये एक संख्या है, उस पे घात है और टोटल का घात है, तो घातों का आपस में गुणा, तो तीन बटा दो, और इस पे घात दो उसका गुणा करेंगे माइनस एक बटा दो के साथ। ये दो से दो कैंसिल, बच गया माइनस एक, यानी कि तीन बटा दो पे घात माइनस एक। अब इसको हम लिख सकते हैं एक बटा तीन पे घात दो। अब चूंकि इस पे घात एक नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो पे घात एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम भी नहीं लिखते हैं। लेकिन अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पलट देते हैं, पलट देंगे तो ये हो जाएगा दो बटा तीन। अब ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही हमारा एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके इसका आंसर बताएं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ा प्रयास करें और चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसे ही है, इसको मैं बता देता हूँ। आठ को लिख सकते हैं दो पे घात तीन, और इसका घात कितना है एक बटा तीन। संख्या का घात है, टोटल का घात है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो तीन गुणे एक बटा तीन, तीन से तीन कैंसिल, बच गया दो पे घात एक, और इसका मान होता है दो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है चौंसठ पे घात, ये दिखिएगा माइनस है, बहुत हल्का माइनर दिखाया गया माइनस को, ये माइनस में है। चौंसठ को हम लिख सकते हैं, चौंसठ को दो पे घात छः, दो दूना चार, दो दूना चार दूना आठ दूना सोलह दूना बत्तीस दूना चौंसठ, एक दो तीन चार पाँच छः घात, हाँ दो पे घात छः को हम चौंसठ लिख सकते हैं। तो दो पे घात छः के जगह लिख दिया दो पे घात, सॉरी दो चौंसठ की जगह लिख दिया दो पे घात छः। अब इस पे घात है माइनस चार बटा तीन, फिर घात का घात, तो घातों का आपस में गुणा, तो दो पे घात छः गुणे माइनस चार बटा तीन। इस तीन से छः को दो बार में काट सकते हैं, और चार दूना आठ, लेकिन माइनस भी है ना, तो दो पे घात माइनस आठ। अब दो पे घात माइनस आठ को हम लिख सकते हैं एक बटे दो पे घात आठ प्लस के साथ, ठीक है। अब इसका मान कितना हुआ, अब दो पे घात आठ का गुणा करेंगे, यानी कि दो का गुणा आठ बार, तो दो का गुणा आठ बार करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 256, ठीक है, यानी कि एक बटा 256 हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अब आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो रहा है, जो कि चैप्टर के लास्ट में आपको देता था अभ्यास प्रश्न, उसका लघु उत्तरी का पहला ही प्रश्न है। हालांकि दो क्वेश्चन और हमने छोड़ दिया, वो डेफिनेशन था घातांक का और उदाहरण था, तो जो कि पहले ही लेक्चर में हमने बता दिया, इसलिए उसको यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। कह रहा है कि आठ पे घात एक बटा तीन को सरल करना है, छोटा रूप में बदल देना है। आठ को हम लिख सकते हैं दो पे घात तीन, इस पे है एक पे घात तीन। अब घातों का आपस में गुणा जाएगा, क्योंकि घात का भी किसी संख्या का घात है और टोटल का घात है, तो दो पे घात तीन गुणे एक बटा तीन, तीन से तीन कैंसिल, बच गया सिर्फ दो, ये हो गया आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सरल करना है। सरल करना है तो यहाँ देखिएगा, हम इसको एक साथ लेंगे, आधार समान है, तो घातांक आपस में घट जाते हैं, तो a पे घात माइनस तीन, घटने के लिए चूंकि कोई घात नहीं है तो घात एक मानते हैं, तो माइनस वन हो गया, ठीक है, हमने a को अटेम्प्ट कर लिया। अब a और b के बीच में कोई साइन नहीं है, तो गुणे का चिन्ह यहाँ भी होगा, यहाँ भी लगा दिया हमने। अब इस b वाले पोर्शन को देखेंगे, ये भी आधार समान है, तो घातांक आपस में घट जाएंगे, तो b पे घात ऊपर है दो, घटने के लिए आ रहा है माइनस वन, ऐसे ही कोई साइन नहीं है गुणा है, तो हम भी यहाँ गुणा लगा देते हैं। सी वाला देखते हैं, ये सी वाला देखिए, आधार समान है तो घातांक आपस में घट जाएंगे, माइनस दो ऊपर है, घटने के लिए आ रहा है, यहाँ कोई घात नहीं है वन, यानी कि घटने के लिए वन आ रहा है। बस अब इसी को सरल करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सेम साइन होता है, तो यानी जुड़ जाता है, जुड़ गया तीन एक चार, लेकिन चिन्ह बड़े वाले के लगाते हैं, आगे है माइनस, लगा दिया माइनस, गुणा बी, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी अब यहाँ माइनस नहीं रहा, नया साइन हो गया प्लस, तो तीन एक सॉरी दो एक तीन, लिख दिया तीन। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, यानी कि सी पे घात तीन, बड़े वाले का चिन्ह लगाया माइनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
आंसर। आप इसको चाहे तो ए पे घात चार, बी पे घात सॉरी ए पे घात माइनस चार, बी पे घात तीन, सी पे घात माइनस तीन भी लिखेंगे, ये भी हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, ये घात है, ठीक है, ये घात है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देख रहे होंगे आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, दो बटे पाँच धन आठ बटे पाँच। अब देखिएगा यहाँ भी आधार समान है और भिन्न का जोड़ का नियम है, घातांक आपस में जुड़ते हैं तो हम इधर साइड में घातांक को जोड़ लेते हैं, आठ दो दस बटे पाँच, अभी काट सकते हैं दो बार में, यानी कि हमारा फाइनल उत्तर आ गया घातांक का दो। तो ये किस पे था, दस पे घात दो। अब दस पे घात दो का मान होता है सौ, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आधार समान है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, यम धन माइनस यम। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी ए पे घात यम माइनस यम। अब m में से m चला गया तो हमारा जीरो बचेगा, और किसी संख्या पे घात जीरो होती है तो मान होता है एक, इसलिए ओ ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है a पे घात m, टोटल का घात m है, किसी संख्या का घात हो और टोटल का घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, यानी a पे घात m n, जो कि ऑप्शन नंबर 100 है। ये डायरेक्ट फार्मूला था तो हमने लगा दिया। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।